हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एपी ईएएमसीईटी जो है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होती है, किस तरीके से क्या करना होता है। हर एक चीज़ें इस वीडियो में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मालूम पड़ जाएगी, किस तरीके क्या होती है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है एपी ईएएमसीईटी के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च करने का फर्स्ट मेथड है कि आपको किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको टाइप करना ए पी ई ए एम सी ई टी, ठीक है। फिर 2020-2022 आई ए एस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश के रिलेटेड सारे अपडेट मिलते हैं, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं, ठीक है। तो क्या करने होंगे, आप यहाँ पर आपको सर्च करने होंगे। तो जैसे सर्च करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करनी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर आप न्यू टैब में ओपन होते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो देख सकते हैं कि रिलीज़ हो चुकी है, डेट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ के बारे में बता दूँगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि इसको कौन से नाम से जाना जाता है, सब कुछ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ जो यहाँ पर आपको पढ़ लेने के सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर देंगे जो सामने आपके फॉर्म है। तो क्या फिल करनी है, आपका नाम क्या है, पहले तो अपना ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लेते, जो भी आपका ईमेल आईडी होगी अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लेना। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर, कौन से स्टेट्स हैं वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी, कौन सा सिटी है सिटी सेलेक्ट करनी, कौन सा कोर्स में इंटरेस्ट है, जिस किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है सारे कोर्सेज यहाँ पर वो कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। कौन से आपकी है जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, 10th या 12th डिप्लोमा, तो आपने सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक कर दीजिए। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू, आपको जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर दिया है उसके थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस आता रहेंगे, तो गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक कर देना आपको, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, इस तरीके से सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो उसको कॉमनली कौन से नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन इंटरेस्ट एक्सपेस्ट, तो इस नाम से इसको जाना जाता है इसको, ठीक है। और इसका हर साल जो ऑफिशियली ऑथराइज्ड के थ्रू इसका जो एग्ज़ाम होता है, हर साल देख सकते हैं इनका इंट्रेंस एग्जाम होता है। टू एडमिशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलती है, जो यहाँ पे बच्चे इसके अवेलेबल इसके लायक हैं, ठीक है, एलिजिबल जिस जो हो सके। और अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फील्ड के लिए यहाँ पे आपको जो है ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग फील्ड का, एग्रीकल्चर का, फार्मेसी का, और कोई का भी होगा, तो यहाँ पर सबका यहाँ पर आपको जो है कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। एबल टू गेट एडमिशन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है यहाँ पर डिफरेंस यूनिवर्सिटी कॉलेज में, अलग अलग लोकेशन में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के। और जवाहरलाल नेहरू जो है टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल है, कंडक्ट है, करता है इसको एपी को, आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है, बिहाफ ऑफ APSCHE इसके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें की बताई गई है कि APEMCET जो है प्रोसेस होता है कुछ, तो ये प्रोसेस आपको मतलब मालूम होना चाहिए सारी चीज़ें की, जैसे कि आप यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स होता है, सारी चीज़ें आपको देखने आना चाहिए कैसे क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें होती हैं। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे क्या क्या करना होता है, कब आती है, कैसे देखना होता है, आई तो कैसे जो फील करने होंगे, कैसे अप्लाई करना होता है, कहाँ से क्या करना होता है, वो बेसिक चीज़ आपको नॉलेज, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एडमिट कार्ड, प्रिपरेशन टिप्स, सिलेबस कैसे क्या करना होता है सब कुछ यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखी हुए, ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई यहाँ पर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, ठीक है। तो इवेंट में क्या होता है कि आपका अवेलेबल होता है नोटिफिकेशन, तो कभी नोटिफिकेशन अवेलेबल होगा फेब्रुवरी में, ठीक है, और अवेलेबल कभी होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड के थ्रू फेब्रुवरी में, तो यहाँ पर डेट आपको दिया रहता है, तो वो डेट के हिसाब से आपको देखना रहता है, और उसी डेट पर आपको जो है चेक करना है, सब कुछ करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो फिल करना है, और जो लास्ट डेट है सबमिशन का यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, मार्च में, और जो आपको लास्ट डेट के लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा जो है आपको डेट लग जो देते हैं उससे फीस लगती है आपको एक्स्ट्रा 500 जो आपको लेट फीस लगेगी, तो इस तरीके से बताया गया। फिर उसके बाद भी लेट करते हैं तो 1000, उसके बाद भी लेट करते हैं तो 5000, तो मतलब ऐसा ऐसा आपको बताया गया, और करेक्शन यहाँ पर बताया गया विंडो, तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ईजी भी आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आप एडमिशन किधर भी लेते हैं आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपकी जो इसमें आपकी ऑल इंफॉर्मेशन आपकी उसमें सबमिटेड रहता है, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई रहते हैं, आप उसमें फिल करनी रहती है हर एक चीज़ें, तो ये आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको अवेलेबल रहता है, वहीं से आपके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। और उसमें आपकी पर्सनल डिटेल सारी डिटेल्स उसमें आपकी रहती है, आपका फ़ोटो अपलोड करने रहते हैं आपके, और उसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें, एड्रेस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, ओके,
फिर उसके बाद जो है फीस फीस की बात आई तो यहाँ पे फीस आपको जो है इंजीनियरिंग स्ट्रीम से यहाँ पे 500 है, एग्रीकल्चर एंड मीडिया स्ट्रीम से 500 है, दोनों के लिए यहाँ पे 1000। तो इसी तरीके से देखना है। अब पे कैसे करेंगे, पे आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड से, तो जिस किसी भी, तो आप इजी आप पेमेंट कर सकेंगे। आप एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया आपको कैसे देखने हैं, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेशनलिटी आपकी देखनी है, क्या है, इंडियन है, इंडियन पे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे इंडियन है तो आप क्या कर सकते हैं, इस एडमिशन प्रोसेस को जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट आंध्र प्रदेश का ही होना चाहिए और तेलंगाना का, तब तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और जो लोअर एज यहाँ पे बताया गया 17 ईयर्स आपका एडमिशन के समय आपका एज होना चाहिए, और अपर एज जो है 22 ईयर्स आपका जो है जनरल कैटेगरी के लिए, 25 ईयर्स जो है आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए एडमिशन के समय पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आपके आपका 12th यहाँ पे, और डिप्लोमा जो है इस फील्ड से आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए बोर्ड यहाँ पे, और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपेयरिंग अप्लीकेंट, यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं अप्लाई। स्ट्रीम जो आपका होना चाहिए साइंस से, मोडिटरी, मतलब इस तरीके से देखना है स्ट्रीम क्या, तो यहाँ पे स्ट्रीम लिखी साइंस, तो साइंस से होना चाहिए आप, तभी आप क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी सब्जेक्ट ये जो है ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। साइंस से अगर आप साइंस से ले रहे हैं तो ये आपके जो है होने चाहिए, कंपलसरी है। मिनिमम मार्क्स यहाँ पे बताया जनरल के लिए 45% और मिनिमम मार्क्स आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, तो ये आपको आना चाहिए। और एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसे देखना है, मोड ऑफ एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन मोड से होगा, ठीक है। लैंग्वेज कौन सा यूज़ होगा आपको एग्ज़ाम में, इंग्लिश तेलुगु लैंग्वेज यूज़ होगा, ये ऑथोरिटीज थ्रू है, ओके। और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 180 मिनट्स आपके पास टाइम है आपका एग्ज़ाम जो है पेपर जो है सॉल्व करने के लिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। टोटल मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 160 मार्क्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। और टोटल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन रहते हैं ना, तो वो मार्किंग स्कीम यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेंगे तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, अगर एक आपने स्कीम राइट लिखा। नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे नो नेगेटिव मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। और सब्जेक्ट यहाँ पे जो बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जूलॉजी बोटेनी, तो यहाँ पे इतने मार्क्स के लिए, इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के लिए, इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के लिए, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए, इस तरीके से बताया गया। सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस काफ़ी जो है इजी है, देखना कैसे देखना है बता देता हूँ। मैथमेटिक्स का यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे आपको चैप्टर है, ये चैप्टर आपको आएंगे इस तरीके से देखना है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितने क्या है, इतने सारे चैप्टर है, ये चैप्टर आपको, ये चैप्टर आपको सिलेबस में है, ये भी आपको सारे सिलेबस में है, तो इस तरीके से आपको ईजिली वो चेक करना है। बहुत सारे सबके ऐसे ही करना है, प्रिपरेशन टिप्स कैसे करना है सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा प्रिपेयर करने के लिए आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। जो सब्जेक्ट आपके पास, जो भी सिलेबस है आपके पास, वो सब्जेक्ट सिलेबस को लेकर के आपको टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल में उस सिलेबस आपको रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, डेली रिवाइज करते रहना, स्टडी करनी अच्छे तरीके से, आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, आपको ऑनलाइन टेस्ट जो आपको लेना है नोट डाउन करते रहना, हार्ड फॉर्मूलाज को, ओके। और टाइम टू टाइम स्टडी करना है, जो नोट करने हैं आपको हार्ड मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज रहते हैं उसको नोट करके रखना, ताकि आपको ईजी पड़े। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है आपके एग्जाम के लिए, टिप्स लिखे हुए हैं। एडमिशन एडमिट कार्ड आपको कहाँ से डाउनलोड करने होंगे, तो एडमिट कार्ड आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे आप एडमिट कार्ड, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर किया जाए, ठीक है। आंसर की कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको रिलीज़ किया जाता है आंसर की डाउनलोड करने के लिए, वहीं से आप आंसर देखने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन के आंसर राइट थे, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद ये रिलीज़ होता है, ठीक है, आपका रिजल्ट हो जाता है, फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है कि आप अपना रिजल्ट देख लीजिए कि कितना मार्क्स आपको आएंगे, तब आप उस हिसाब से आप एडमिशन कराएंगे ना, उसके लिए रिलीज़ होता है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना रहता है, तब अपना रिजल्ट देख पाएंगे, ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट रिलीज होता है रिजल्ट के बाद, मेरिट लिस्ट रिलीज होता है, उसके बाद अपना अपना देख सकते हैं कि कौन कौन से जगह पर आप लिस्टेड अकाउंट से जगह पर, ठीक है, उसमें राइट डाउन किया रहता है कि आप जगह पे मेरिट लिस्ट में आपको सेलेक्ट किया गया। अब काउंसलिंग कहाँ से रिलीज होता है, काउंसलिंग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रिलीज होता है, वहीं से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है सारी चीज़ें बताई रहती है, वेरियस कोर्सेज फैक्टर डिपेंडिंग ऑन एडमिशन के समय पर सारे सक्सेसफुल यहाँ पर सब कुछ बताया रहता है, ठीक है। मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं,
मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट है आपके वेरिफिकेशन के लिए, मतलब आपकी आईडी प्रूफ लगती है, ये मतलब कि आपने ये सब सारी चीज़ें की हैं तो क्या प्रूफ है, तो ये प्रूफ रहता है, ठीक है। इस तरीके से 10th का, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस सारी सारी चीज़ों को आपको लेना है और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल गई तो काफ़ी ईजी था और काफ़ी जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आई तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।